हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी मजे में होंगे। मैंने आप लोगों के लिए जो पिंडी चने की रेसिपी बनाई थी वो आप लोगों को बहुत पसंद आई, और इतनी ज्यादा पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं नेक्स्ट आपके लिए भटूरे की रेसिपी लाऊंगी, तो मैं आपके लिए अब भटूरे की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं भटूरे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हम भटूरे के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी ये देखते हैं। पहले हमें इसके लिए चाहिएगा मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लावर, और हमें चाहिए होगा ये जो नॉर्मल हम रोटी बनाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं, हमारा गेहूं का आटा यानी व्हीट फ्लावर। थोड़ा सा तेल चाहिएगा हाथ में मलने के लिए, आटे में मलने के लिए, और बाकी फ्राइंग के लिए नमक, मीठा सोडा, साथ में हमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, सूजी और दही, और साथ में बेकिंग पाउडर। अगर दोस्तों आप आटा जल्दी फटाफट भटूरे बनाना चाहती हैं तो आप उसे सोडा वाटर जो होता है उससे गूंद लें। मैं आपको बेकिंग पाउडर से बता रही हूँ। चलिए हम शुरुआत करते हैं आटा गूंदने की। करते हैं हम पहले, सबसे पहले बॉल में डालेंगे दही। ये हमारा एक कटोरी, छोटी कटोरी दही है यानी कि 3 टेबलस्पून दही है, 1 टीस्पून, और साथ में इसमें डालेंगे चीनी 1 टीस्पून, और अब हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा, ये हम आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे, और इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम यानी कि आधा टीस्पून से थोड़ा ज्यादा। अब ये सब डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। सब चीजें मिक्स हो गई और दही में झाग भी बनने लगी है। अगर आप फटाफट से भटूरे बनाना चाहती हैं तो आप 1 चम्मच इनो डाल दीजिए, मीठा सोडा ना डालकर आप 1 चम्मच इनो डाल लें। अभी हम लेंगे बराबर क्वांटिटी दोनों की, रिफाइंड फ्लावर की और व्हीट फ्लावर की। तो हम 1 कप लेते हैं मैदा, और हम लेते हैं 1 कप उसी बिल्कुल सेम क्वांटिटी हम आटा। आप सोच रहे होंगे मैदे के भटूरे बनते हैं तो मैं आटा क्यों डाल रही हूँ। वो मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत चिकने हो जाते हैं और हैंडल नहीं हो पाते, बाहर भी थोड़ा सा आटा मिलाया जाता है। और इसमें सूजी डालेंगे हम, सूजी ये आधी कटोरी है यानी कि 1.5 टीस्पून के करीब है ये। दोस्तों अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं पहले, और फिर हम इसे गूंदेंगे। इसे गूंदने के लिए हम वार्म वाटर यूज करेंगे, थोड़ा सा पानी गर्म होना चाहिए, अच्छा आटा गूंदेगा। और इसको हम एकदम से भटूरे नहीं बनाएंगे, हमें इसे कम से कम 40 मिनट तक रेस्ट देना होगा। 40 मिनट के बाद ये आटा हम फिर से इसे मलेंगे और फिर भटूरे बनाएंगे। अभी हम इसको बस मल कर रख देते हैं, और फिर अच्छे से हम 40 मिनट के बाद इसको अच्छे से गूंदेंगे दोबारा से। अगर आप सोडा वाटर से आटा गूंदती हैं तो भी भटूरे जल्दी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी 10 मिनट आप आटे को जरूर रखें। बस अब थोड़ा सा पानी आपना है। अभी इसमें सूजी और मैदा है और आटा है, तो अभी सूजी फूलने में टाइम लेगी, तो हमें इसे कम से कम 40 मिनट तक हमें इसे रखना होगा। इसको रखने से पहले थोड़ा सा इस पर तेल मल दीजिए, और आटे को आप अच्छे से किसी साफ कपड़े से ढक दीजिए। बेक चुके हैं और हम देखते हैं अब आटा हमारा किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। अभी हम ये देख रहे हैं अच्छे से सूजी फूल चुकी है और आटा सॉफ्ट हो चुका है। अभी हम सिर्फ इसमें थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर 1 चम्मच के करीब एक बार इसको हम अच्छे से मल देंगे, ताकि जब हम इसको बेलें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छे से लगाकर हम थोड़ा सा हाथ में पेड़ा लेंगे इस तरीके से, और हम भटूरे को बेलेंगे। तेल का गर्म होना बहुत जरूरी है, अगर आप ठंडे तेल में भटूरे बनाएंगी तो अच्छे नहीं बनेंगे। आप अच्छे से पेड़ा बनाएं गोल एकदम, और थोड़ा सा तेल लगाकर आप इसे बेलें। भटूरे की शेप थोड़ी लंबी होती है तो हम इसे थोड़ा लंबा बनाएंगे। 5 मिनट तेल गर्म होने का इंतजार करते हैं, तेल में डाल देते हैं। थोड़ी आंच कम कर देते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमारा गर्मा गर्म भटूरा तो एक फूल कर तैयार हो गया है, बन गया है। इसी तरह से मैं सारे भटूरे तल कर निकाल लेती हूँ। चलिए
आप इसी तरह से सारे भटूरे कर लीजिए। तो चलिए अब मैंने सर्व करते हैं। भटूरे बनकर तैयार हैं और मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ छोलों के साथ जो मैंने आपको सिखाए। मुझे उम्मीद है आप जरूर बनाएंगे और ये आपको देखकर मन कर रहा होगा कि ये कितने टेम्पटिंग हैं, बहुत ही अच्छे बने होंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छे बने हैं, एकदम फ्लफी बने हैं। जैसे मैं आपको एक तोड़कर भी बताती हूँ, ये देखिए एकदम हल्के लाइट और फ्लफी बने हैं। और इन्होंने, सबसे बड़ी बात है, ज़्यादा तेल भी अब्जॉर्ब नहीं किया है, तो इसको अब हमें एक बाइट तो लेनी बनती है भाई। दोस्तों, गर्मा गर्म छोले भटूरे की प्लेट तो हाजिर है और मैं इसे खाने भी वाली हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको पिंडी चना की रेसिपी कैसी लगी और भटूरों की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि भटूरों में मैंने आटा ज़्यादा डाला है तो आप उसकी मात्रा कम भी कर सकती हैं, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके कॉमेंट्स के इंतज़ार में रहूँगी। मैं जानना चाहूँगी कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसे कब ट्राई करने वाली हैं। तब तक के लिए दोस्तों, मैं आपसे फिर से मिलूंगी और आपके लिए नई नई रेसिपीज लाती रहूंगी। आपसे फिर से मिलेंगे नई रेसिपीज के साथ दोबारा से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें।